नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सुनील कुमार। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन के थर्ड चैप्टर को करेंगे। 10th क्लास की पिछली वीडियो में हमने सेकंड यूनिट, जिसका नेम एचटीएमएल है, और हमारा थर्ड चैप्टर जो कि सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, वो स्टार्ट कर दिया था। पिछली वीडियो में हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, बाकी का बचा हुआ हाफ चैप्टर इस वीडियो में कर लेंगे। लास्ट टॉपिक जो था वो फॉन्ट टैग यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग से रहा था हमारा। इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक रहेगा बी टैग यानी कि बोल्ड टैग, जो कि अनदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग रहेगी। दो चार टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स और आएगी, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैंने जो a.html नाम का वेब पेज पिछली वीडियो में बनाया था, जिसका कोड सेम टू सेम मैंने ओपन कर लिया है, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर html का है। बॉडी टैग के बीच में मैं कुछ टेक्स्ट इस वीडियो में इस्तेमाल करने के लिए पेस्ट कर देता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने पहले से ही कॉपी कर रखा था। तो ये इतना सारा टेक्स्ट बेटा बॉडी टैग के बीच में डाल दिया है। सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हम आउटपुट देख लेते हैं कि किस तरह ये प्रोग्राम दिख रहा है। जो हमने सेव किया था वहीं से डबल क्लिक करके प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आप देख पा रहे हो जितना सारा टेक्स्ट हमने बॉडी टैग में डाला था वो वेब पेज में, वेब ब्राउज़र में सक्सेसफुली दिख रहा है। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का इस्तेमाल करके बदलाव देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स लाइक बी टैग, आई टैग, अंडरलाइन टैग, ये किस प्रकार बदलाव करती है वेब पेज की आउटपुट के अंदर। सबसे पहली लाइन आप देख रहे हो बेटा बॉडी टैग के अंदर इस पैराग्राफ की, ये वाली है। इस लाइन में मैं चेंजेस आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में समझा दूंगा कि बोल्ड टैग या बी टैग क्या होती है। जैसे मैंने इस लाइन की स्टार्टिंग में बी टैग को स्टार्ट किया एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, इसी लाइन के एंड में मैंने बी टैग को फॉरवर्ड स्लैश के साथ में क्लोज कर दिया, देन कोड को सेव किया। सेव करने के बाद में जहाँ पे वेब ब्राउज़र में मैंने इसको ओपन कर रखा है वहाँ जाके पेज को रिफ्रेश किया, तो आप पूरे पैराग्राफ के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसके कंपैरिजन में फर्स्ट लाइन जिसको हमने बी टैग के बीच में लिया है आप चेंजेस देख सकते हो। ये थोड़ा सा बोल्ड यानी कि एक्स्ट्रा वेट लेकर के अलग ही टेक्स्ट दिख रहा है, और ये पूरा पैराग्राफ इससे बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि बी टैग क्या होती है, बी टैग इज ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग यूज टू एड एक्स्ट्रा वेट इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट एनक्लोज्ड बाय दिस कंटेनर टैग। यानी कि बी टैग एक कंटेनर टैग होती है, जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी लाइन को इस बी टैग के बीच में अगर हम लेते हैं उस टेक्स्ट को या उस लाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट दे देती है, यानी भारी कर देती है, उसको बोल्ड बना देती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग टैग्स है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, वो आई होती है यानी कि इटैलिक टैग। इट इज ऑल्सो ए कंटेनर टैग। इसके बीच में जिस भी टेक्स्ट को एनक्लोज किया जाता है बेटा वो साइलेंट मोड में आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इटैलिक स्टाइल जिसको बोलते हैं वो आ जाता है। यानी कि इसी लाइन को हम इटैलिक अगर बनाना चाहते हैं तो हम आई टैग के बीच में इसको ले लेंगे। आई टैग एक कंटेनर टैग होती है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों होगी। जैसे ही मैंने इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लगाई, उसके बाद में कोड को सेव किया और आउटपुट में देखूंगा तो आप ये फर्स्ट लाइन में चेंजेस आप देख सकते हो। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए बेटा जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो फर्स्ट लाइन है जो इस पैराग्राफ की वो थोड़ी सी तिरछी हो चुकी है। तो बोल्ड और इटैलिक दोनों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होती है। बोल्ड टैग यानी कि बी टैग क्या करती है, एक्स्ट्रा वेट दे देती है टेक्स्ट को, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा कर देती है। उसके बाद में नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग आती है बेटा अंडरलाइन टैग। इसी फर्स्ट लाइन पे ही हम अंडरलाइन टैग का इस्तेमाल देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। ये क्या करती है बेटा, ये जो भी टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट कर देती है, उसके अंडर में एक लाइन खींच देती है, उसके नीचे बॉटम एरिया में एक लाइन खींच देती है, इसलिए इसका नाम अंडरलाइन टैग है। और ये भी एक कंटेनर टैग होती है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। तो इस लाइन के एंड में हम यू टैग को क्लोज भी कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ में। कोड को सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं कि पहली लाइन के नीचे एक अंडरलाइन आती है या नहीं आती है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया पेज को तो फर्स्ट लाइन जो है पैराग्राफ की उसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ चुकी है। तो ये तीनों बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये तीनों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की कैटेगरी में
आती है। अवर नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दैट इज स्पेशल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग इज सुपरस्क्रिप्टेड टैग या सुपरस्क्रिप्ट टैग। अब सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या होती है बेटा, जब भी हम किसी वेब पेज के अंदर कोई मैथमेटिकल टर्म्स या मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखना चाहते हैं तो उनको लिखने के लिए इन सुपरस्क्रिप्ट और एक दूसरी टैग होती है सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुपरस्क्रिप्ट मैथमेटिकल टर्म्स के लिखने के लिए काम आती है और सबस्क्रिप्ट टैग जो आपके केमिकल फॉर्मूलाज या साइंस के फॉर्मूले होते हैं या सिंबल्स होते हैं उनको लिखने के लिए काम में आती है। पैराग्राफ के लास्ट में मैं एक BR टैग लगा देता हूँ बेटा। BR टैग लगाने के बाद में क्या होगा कि एक लाइन का हमें स्पेस मिल जाएगा, एक लाइन ब्रेक मिल जाएगा। लाइन ब्रेक के बाद में हम नेक्स्ट लाइन के अंदर सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट जो टैग है, एक स्पेशल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है, उसका इस्तेमाल देख लेते हैं। ये क्या करती है, जो नॉर्मल टेक्स्ट लाइन होती है उससे उस टेक्स्ट को स्लाइटली अबो ले जाती है जो सुपरस्क्रिप्ट टैग के बीच में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक्स की पावर 2 लिखना चाहता हूँ, तो ये क्या एक मैथमेटिकल टर्म है या इक्वेशन है। जैसे कि मैंने नॉर्मली एक्स लिख दिया और 2 लिख दिया, कोड के अंदर मैंने एक्स 2 लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक्स की पावर 2 आना चाहिए। एक बारी पहले हम सुपरस्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करने से पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। मैंने कोड को सेव कर दिया, अब आउटपुट देखते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर एक्स 2 आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये पावर में तो बिल्कुल भी अभी नहीं दिख रहा है। अगर इसको पावर में दिखाना चाहते हैं तो हम कौन सी टैग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक स्पेशल टैग होती है, फॉर्मेटिंग टैग होती है, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जिसको कहते हैं, तो वो होती है सुपरस्क्रिप्ट। यानी कि जिस भी टेक्स्ट को हम पावर में ले जाना चाहते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट कंटेनर टैग के बीच में ले लेंगे। अब 2 को लेके जाना चाहते हैं तो मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करूँगा। 2 से पहले इसको स्टार्ट करूँगा और एंड कर दूंगा इसको 2 के बाद में। अब सुपरस्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हो रही है 2 से पहले, एंड हो रही है 2 के बाद में, यानी कि 2 इसके बीच में आया, तो 2 किसकी पावर में चला जाएगा, x की पावर में चला जाएगा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ कोड को, आउटपुट देखता हूँ, तो अभी तो बिल्कुल हमारी पुरानी आउटपुट में, जब तक हमने वेब पेज को रिफ्रेश नहीं किया है तो x2 दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो x की पावर 2 दिखाई देने लग जाएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, सुपरस्क्रिप्ट टैग की अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि द सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट अपीयर्स स्लाइटली अबो द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन, ये क्या कर देती है, नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाती है जो भी सुपरस्क्रिप्ट टैग के बीच में टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है या रखा जाता है। हमने यहाँ पे किसको रखा बीच में, 2 को रखा सुपरस्क्रिप्ट टैग के बीच में। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बिलो ले जाना चाहते हैं, यानी कि ये तो पावर में गया था, अगर पावर में अगर किसी भी टेक्स्ट को लेके जाना चाहते हैं तो कौन सी टैग इस्तेमाल होगी, सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल होगा। जैसे कि मैं एक साइंस का फॉर्मूला या सिंबल बता देता हूँ, जैसे कि H2O, H2O का एग्जांपल ले लो। तो H2O जब हम लिखते हैं साइंस के अंदर तो H और O एक नॉर्मल टेक्स्ट लाइन में होते हैं, बट 2 उनके H के पाँव में होता है, यानी कि 2 जो नॉर्मल टेक्स्ट लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे होता है, बिलो होता है। तो यहाँ पे मैं एक BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। BR टैग से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे हम H2O लिखेंगे। अब H2O मैंने लिखा, ये एक नॉर्मल है, जिस प्रकार हमने x की पावर 2 का एग्जांपल लिया उसी प्रकार H2O का एग्जांपल लेते हैं। H2O यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन में आ रहा है, बट 2 हमें पाँव में या नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से बिलो यानी कि नीचे की तरफ नज़र नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं 2 को क्या करूँगा, सबस्क्रिप्ट टैग में ले लूँगा। वो कौन सी टैग थी बेटा, सुपरस्क्रिप्ट टैग थी और ये क्या है, सबस्क्रिप्ट टैग है। एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट SUB देन आफ्टर 2 SUB यानी कि हमारी सबस्क्रिप्ट टैग है, उसको क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो ए कंटेनर टैग, इट इज़ ऑल्सो ए स्पेशल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ये साइंस के केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आती है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, आउटपुट जाके देखी तो H2O में आप देख सकते हो बेटा H और O एक नॉर्मल टेक्स्ट लाइन में है, बट 2 इज बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन, नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से नीचे की तरफ हमें 2 दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ 3-5 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स थी, यानी कि B टैग, I टैग, U टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड सबस्क्रिप्ट टैग। तो ये सारी की सारी होप्सो आपको समझ में आ गई होगी बेटा, नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर हमने अप्लाई किया है।
आफ्टर दैट देयर इज ए सेंटर टैग। अब सेंटर टैग का क्या काम होता है, सेंटर मतलब बीच में, यानी कि अगर हम सेंटर टैग का इस्तेमाल करते हैं हमारे किसी भी टेक्स्ट या कंटेंट के ऊपर जो बॉडी टैग के बीच में हमने लिखा हुआ है, तो स्लाइटली उस कंटेनर टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट या कंटेंट होगा उसको वो हॉरिजेंटली वेब पेज में आउटपुट में बीच में दिखाएगा, हॉरिजेंटली सेंटर में दिखाएगा। दिस इज द अनदर कंटेनर टैग विदाउट एनी स्पेशल एट्रीब्यूट। इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है सेंटर टैग की। विच इज़ यूज टू पोजिशन द एनक्लोज कंटेंट सेंटर्ड हॉरिजेंटली अक्रॉस द वेब पेज, यानी कि वेब पेज के बीच में किसी भी टेक्स्ट को या कंटेंट को हॉरिजेंटली सेंटर में ले जाने के लिए सेंटर टैग का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आउटपुट में मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये दो लाइनें देख लीजिए बेटा, H2O और X की पावर 2। अभी वेब पेज में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रही होगी, अगर इस H2O को मैं यहाँ पे सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ तो वी कैन यूज़ दी सेंटर टैग। ये कंटेनर टैग होती है, जैसे कि H2O कहाँ पे है, ये H2O है। अगर मैं इस कंप्लीट H2O को, एक कंटेनर टैग होती है जो कि सेंटर होती है, उस सेंटर टैग के बीच में ले लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट H2O एक सेंटर टैग के बीच में लिखा हुआ कंटेंट हो गया। इस कंटेंट को सेंटर टैग कहाँ पे ले जाएगी, हॉरिजेंटली वेब पेज में बीच में ले जाएगी। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने आउटपुट आपको दिखाई है, रिफ्रेश किया है वेब पेज में, H2O बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो सेंटर टैग बिल्कुल ही आसान है, ना इसका कोई एट्रीब्यूट होता बेटा, बिना एट्रीब्यूट के यूज होती है। सेंटर टैग एक कंटेनर टैग होती है जिसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टैग है बेटा वो HR टैग है, एक एम्प्टी टैग है, इसको करते हैं। दिस इज एन एम्प्टी टैग यूज टू ड्राई हॉरिजेंटल रूल लाइन अक्रॉस द वेब पेज, यानी कि HR टैग बेटा एक एम्प्टी टैग होती है जिसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती है। वेब पेज में हॉरिजेंटल रूल लाइन ड्रॉ करने के ये काम में आती है। बेसिकली इट हेल्प अस टू सेग्रीगेट द वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए वेब पेज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। HR टैग अलग अलग एट्रीब्यूट्स के साथ में यूज होती है। सिंपली पहले हम HR टैग को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। जैसे मैंने HR टैग को लिख करके पेज को रिफ्रेश किया तो वेब पेज में आप देख सकते हो बेटा 100% विड्थ के साथ में लेफ्ट टू राइट एक हॉरिजेंटल रूल लाइन अक्रॉस दी वेब पेज आ चुकी है। अगर इसकी विड्थ को हम कम करना चाहते हैं तो ठीक टैग नेम के बाद में एक स्पेस दे करके विड्थ एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी बेटा वो परसेंटेज में डालेंगे। जैसे कि इसकी विड्थ हम देख रहे हैं पहले से ही 100% है, तो मैंने विड्थ इसकी 50% कर दी है, यानी कि हाफ कर दी है। कोड को सेव करके अगर हम आउटपुट देखेंगे तो इसकी जो विड्थ अभी 100% थी उसकी हाफ बच जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो बेटा हॉरिजेंटल रूल लाइन बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रही है, तो इसका जो अलाइनमेंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होता है। वी कैन चेंज दिस अलाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स अलाइन एट्रीब्यूट। इसके अलाइन एट्रीब्यूट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलाइनमेंट की वैल्यू 3 होती है बेटा, राइट, सेंटर एंड लेफ्ट। सेंटर में ये पहले से ही है तो इसको हम लेफ्ट में लेके चल लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू लेफ्ट डाली, सेव किया, तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट में चली जाएगी। तो एक अलाइन एट्रीब्यूट और एक विड्थ एट्रीब्यूट कर लिया। इसके बाद में एक दो एट्रीब्यूट और हैं, जैसे कि साइज एट्रीब्यूट, यानी कि इसके साइज को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि इसकी थिकनेस को, जो इसका पतलापन है उसको मोटा करना चाहते हैं, तो साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और उसकी वैल्यू पिक्सल में डालेंगे। जैसे मैंने 10px डाल दी है तो अब ये 10 पिक्सल की मोटी लाइन हो जाएगी। अभी जो इसकी थिकनेस है वो आपको सही से दिख नहीं रही है बेटा, क्योंकि इसका कलर वाइट है, इसलिए मैं कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन वैल्यू डाल देता हूँ। अब आप आउटपुट में देख सकते हो कि लाइन कितनी मोटी हो चुकी है। तो ये हॉरिजेंटल रूल लाइन एक एम्प्टी टैग होती है बेटा, आपके वेब पेज को डिफरेंट सेक्शन में सेग्रीगेट करती है। अलोंग विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। HR टैग के बाद में हमारी जो नेक्स्ट टैग है टॉपिक के अकॉर्डिंग बेटा वो है हेडिंग टैग।
हेडिंग टैग क्या होती है बेटा? HTML provides HN tag to apply different predefined header formats to represent the heading categorized up to the 6 levels. 6 प्रकार की अलग अलग हेडिंग्स हमें देखने को HTML में मिल जाएगी. H1 टैग जो होती है वो हेडिंग का फॉर्मेट है, सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है. H6 सबसे छोटी होती है. जैसे कि मान लीजिए मैंने H1 टैग स्टार्ट करी, इट इज़ ए कंटेनर टैग, ये कंटेनर एलिमेंट होती है. इसके अंदर मैंने लिखा फर्स्ट हेडिंग कंटेनर टैग होती है, तो क्लोजिंग टैग इसकी आएगी बेटा. तो H1 टैग के बीच में मैंने कुछ कंटेंट लिखा है जिसका नेम है फर्स्ट हेडिंग. जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, वहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा, तो फर्स्ट हेडिंग जो कंटेंट H1 हेडिंग की जो सबसे बड़ा लेवल है, फर्स्ट लेवल है, उसके बीच में लिखा हुआ जो आ रहा है वो एक बड़ी हेडिंग या हेडर फॉर्मेट के अंदर आ रहा है. इसी के साथ में मैं फटाफट बाकी की टैग्स लिखने के लिए H1 टू H6 इस फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और फटाफट पेस्ट कर देता हूँ. जैसा कि बेटा आप देख रहे हो, मैंने फटाफट H1 से लेकर के H6 तक की टैग सारी की सारी कॉपी पेस्ट कर दी है. यहाँ पे कोड को हम सेव करते हैं. सेव करने के बाद में जब हम आउटपुट देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी हेडिंग फॉर्मेट्स जो H1 से लेकर के H6 तक है वो अलग अलग साइज़ के अंदर आ चुकी है. तो ये हेडिंग टैग के लेवल्स हैं, लेवल 1 टू लेवल 6, अलग अलग लेवल की हेडिंग जहाँ पे हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक टेक्स्ट के अंदर डालना है तो हम उसी के हिसाब से वही टैग इस्तेमाल करेंगे. अगर H2 हेडिंग चाहिए तो H2 करेंगे, H1 चाहिए तो H1, H6 चाहिए तो H6 करेंगे. इसी के साथ जिस प्रकार हमने बेटा एट्रीब्यूट का इस्तेमाल HR टैग में या अदर टैग्स में किया था, इसी प्रकार हेडिंग टैग के अंदर भी हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो अलाइन एट्रीब्यूट होता है जो HR टैग में इस्तेमाल किया था वो हम हेडिंग टैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जिस प्रकार आप देख रहे हो आउटपुट में, ये सारी की सारी हेडिंग जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, तो इसके अंदर हम सेंटर में भी इसको ला सकते हैं, राइट में भी हम ला सकते हैं, लेफ्ट में ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है. जैसा कि पहली टैग के अंदर में जो H1 टैग है इसमें अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ और अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू मैं डाल देता हूँ सेंटर, CENTER. जैसे मैंने सेंटर वैल्यू डाली तो मेरी फर्स्ट हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी. इसी प्रकार मैं दूसरी टैग की वैल्यू डाल देता हूँ अलाइन एट्रीब्यूट के अंदर राइट, ALIGN इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में वैल्यू डलेगी RIGST यानी कि राइट. जैसे मैंने राइट वैल्यू डाली तो सेकंड हेडिंग है जो फर्स्ट हेडिंग नेम आ रहा है कंटेंट इसी के अंदर, ये राइट हैंड साइड में आ चुकी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा हेडिंग को हम अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से सेंटर में भी ला सकते हैं, राइट में भी ला सकते हैं और लेफ्ट में ये अपने आप से ही होती है. अगली टैग है बेटा कमेंट टैग. कमेंट टैग को करने के लिए बेटा बॉडी टैग के बीच में जितनी भी टैग्स और कोड ये लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट, ये सारा का सारा मैं डिलीट कर देता हूँ. इसके बाद में बॉडी टैग बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है. यहाँ पे हम कमेंट टैग को सीख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट टैग होती क्या है बेटा? ए कमेंट इज ए टेक्स्ट इन द सोर्स कोड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट के सोर्स कोड के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसको हम कमेंट बोल सकते हैं. कब बोल सकते हैं? विच इज़ नॉट डिस्प्लेड बाई दी ब्राउजर ऑन दी वेब पेज, यानी कि जब वो ब्राउजर के द्वारा वेब पेज के अंदर आउटपुट में दिखाया ना जा सके. पहले मैं इस कोड को सेव कर लेता हूँ ताकि सेव करने के बाद में जो आउटपुट में जितना भी कंटेंट आ रहा है वो सारा इरेज हो जाए. अब बिल्कुल क्लीन आ रहा है हमारा वेब पेज. इस वेब पेज के अंदर कमेंट लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले कमेंट टैग जो होती है उसका सिंटेक्स क्या होता है? एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट एक्सक्लामेशन मार्क देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये कमेंट टैग का एक सिंटेक्स होता है बेटा. इस सिंटेक्स के अंदर जो एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो रही है उससे पहले जो भी लाइन हम लिखेंगे ABC कुछ भी, वो वेब पेज में आउटपुट के रूप में नहीं दिखेगी, वो एक कमेंट के रूप में सोर्स कोड में दिखेगी. अब सोर्स कोड क्या होता है बेटा? जो HTML का टैग के साथ में कंटेंट के साथ में कोड हम नोटपैड में लिख रहे हैं उस सारे कोड को सोर्स कोड कहा जाता है. जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ABC,
ये कंटेंट मैंने एंगुलर ब्रैकेट और एक्सक्लामेशन मार्क के बाद में यहाँ पे लिखा और फिर मैंने कोड को सेव किया। देन जब मैं जा कर के आउटपुट देखूँगा तो यहाँ पे ABC बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि एज ए कमेंट ये सोर्स कोड में दिखता है। तो कमेंट टैग बेसिकली अगर देखा जाए तो किस लिए यूज होती है, कमेंट टैग किसी पर्टिकुलर टॉपिक को किसी दूसरे प्रोग्रामर को ये समझाने के लिए इस्तेमाल होती है कि ताकि जो एक्चुअल में लिखा हुआ कोड है या कोई टैग है वो किस बारे में है, तो कमेंट टैग इसलिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा एडिंग स्पेशल करेक्टर्स, यानी कि अगर हम कुछ स्पेशल करेक्टर्स ऐड करना चाहते हैं लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, या कोई ब्लैंक स्पेस जो कि हम वेब पेज में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके द्वारा हम इन सिंबल्स को दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं मेरे वेब पेज के आउटपुट के अंदर ग्रेटर देन का सिंबल डालना चाहता हूं, तो उसके लिए कोड मुझे लिखना पड़ेगा एंड GT सेमीकोलन। ये कोड लिख करके मैं जैसे ही सेव करूँगा, सेव करने के बाद में जब मैं आउटपुट देखूंगा बेटा, तो मेरी आउटपुट में वेब पेज में ग्रेटर देन का सिंबल आपको दिख जाएगा। तो यानी कि ग्रेटर देन करना चाहते हैं वैसे ही हम लेस देन कर सकते हैं। लेस देन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, GT है, G की जगह L कर देंगे यानी कि लेस देन। इसको सेव करके देखते हैं तो ये लेस देन का सिंबल आ गया। इसी प्रकार बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, अगर आप एंड का साइन डालना चाहते हो तो एंड AMP सेमीकोलन लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप कोटेशन मार्क लिखना चाहते हो एंड QUOT सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। अगर आप एक खाली स्पेस यानी कि ब्लैंक स्पेस देना चाहते हो तो उसके बाद में आपको ब्लैंक स्पेस चाहिए तो आप एंड NBSP सेमीकोलन डालोगे, तो किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट के बाद में आपको एक स्पेस मिल जाएगा बेटा। अगला और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बेटा क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML है। कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी प्रॉपर मैनर में अरेंज करने के लिए या फिर अरेंज जब हम करते हैं तो वो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट की या कंटेंट की रीडेबिलिटी या अपीयरेंस को इनक्रीज करता है बेटा। इसलिए हम उसको रिलेटेड आइटम्स को, ऐसे टर्म्स को वेब पेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं ताकि उसकी रीडेबिलिटी और अपीयरेंस अच्छा रहे, उसके लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं बेटा। इस कंटेंट को जो बॉडी टैग में है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में हम लिस्ट बनाना सीखेंगे कि HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं और लिस्ट के लिए कौन कौन सी टैग इस्तेमाल होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो HTML की जो लिस्ट होती है वो 3 टाइप्स की होती है बेटा। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या काम होता है, ये प्लेन बुलेट्स को लेकर के आपके लिस्ट आइटम को दिखाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कोई लिस्ट बना रहे हैं तो उसके आगे डॉट 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 लगा करके हम बुलेट्स लगा देते हैं तो वो पॉइंट्स बन गए, यानी कि वो एक लिस्ट हो गई। इसके अलावा ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसमें स्कीम्स ऑफ नंबर्स होते हैं आपके लिस्ट आइटम को जो दिखा रहे होते हैं, जैसे कि नंबर 1 CPU, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 माउस, नंबर 4 मॉनिटर। तो ये 1, 2, 3, 4 एक सीरीज के अंदर, ऑर्डर्ड के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। इसके अलावा एक डेफिनेशन लिस्ट होती है, वो सेम वे में अरेंज करती है जिस प्रकार डिक्शनरी के अंदर या किसी पर्टिकुलर बुक के अंदर टॉपिक वाइज किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की डेफिनेशन दी हुई होती है। तो यानी कि सबसे पहले जो हम करेंगे वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए एक टैग का इस्तेमाल होता है बेटा जिसका नेम होता है ऑल, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट या ऑल टैग जो होती है वो एक कंटेनर टैग होती है, पूरी कंप्लीट लिस्ट को ये अपने अंदर यानी कि बीच में रखती है। तो मैंने जैसा कि आप कोड में देख रहे हो बेटा, ऑर्डर्ड लिस्ट की स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग यानी ओवल की क्लोजिंग भी मैंने कर दी है और स्टार्टिंग भी मैंने कर दी है। इसके बीच में हम एक li टैग लगाएंगे, li फॉर होता है लिस्ट आइटम यानी कि li टैग। तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो बना रहे हैं उसका पहला आइटम क्या है, पहला आइटम मान लेता हूँ मैं माउस है, सेकेंड लिस्ट आइटम मान लीजिए क्या है, कीबोर्ड है। दो लिस्ट आइटम मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, एक लिस्ट आइटम और डाल देता हूँ बेटा, फिर उसके बाद में हमारी लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी जो कि एक ऑर्डर में होगी। जैसे कि मैंने थर्ड आइटम डाल दिया CPU। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने ओवल यानी ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट किया, देन 3 लिस्ट आइटम 3 लिस्ट टैग का
इस्तेमाल करके डाल दिए और उसके बाद ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे जो लिस्ट आइटम की जो LI टैग है बेटा, इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही बात है। ना करेंगे तो भी ये लिस्ट आइटम उठा लेगा। इसके बाद में कोड को मैं सेव कर देता हूँ। अगर मैं आउटपुट को जाके देखता हूँ तो उसके बाद में हम आउटपुट में देख रहे हैं कि 1 पे माउस आ रहा है, 2 पे कीबोर्ड आ रहा है, 3 पे CPU आ रहा है। तो यानी कि वेब पेज में ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी बनके तैयार हो चुकी है, यानी कि एक सीक्वेंस में आ रही है। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऑल स्टार्टिंग टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं किया है। तो अपने आप से जो आउटपुट आ रही है वो एक न्यूमेरिक नंबर के साथ में आ रही है, 1, 2, 3। यानी कि नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यूमेरिक नंबर के साथ में लिस्ट बनेगी। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट दैट आर यूजेज इन ऑल टैग। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट। ये टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि लिस्ट के टाइप को डिफाइन करती है। यानी कि आप लिस्ट किस टाइप की चाहते हो, रोमन नंबर में चाहते हो, अपर केस ABC में चाहते हो, लोअर केस ABC में चाहते हो, अरेबिक नंबर चाहते हो, क्या चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये अरेबिक नंबर में तो आ ही रही है 1, 2, 3। अगर हम इसके टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल साइन देंगे, इन्वर्टेड कोमा में उसकी वैल्यू डाल देंगे। इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, वो कोड के रूप में होती है। अगर आप अपर केस लेटर लेके आना चाहते हो ABC लिस्ट में तो आपको कैपिटल A डालना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट में लेके आना चाहते हो तो आपको शॉर्ट A डालना पड़ेगा। अगर आप अपर केस रोमन नंबर चाहते हो तो आपको कैपिटल I डालना पड़ेगा। अगर आप लोअर केस में चाहते हो रोमन नंबर तो आपको शॉर्ट I डालना पड़ेगा। और अगर आप अरेबिक नंबर चाहते हो तो आपको 1 डालना पड़ेगा। वैसे अरेबिक नंबर में 1 डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट आती है वो अरेबिक नंबर में ही आती है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल A डाल देता हूँ बेटा। कैपिटल A डालने से क्या होगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम को सेव करूँगा और यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट में अरेबिक नंबर में लिस्ट बन के आ रही है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ये अल्फ़ाबेट में आ जाएगी। यानी कि अपर केस A कोड के रूप में यहाँ टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने डाली तो यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल चेंज होगी, हमारी लिस्ट अल्फाबेट में बन के आ रही है ABC। आगे अगर हम कितने भी लिस्ट आइटम इस ओल्ड टैग के बीच में डालते हैं और उन आइटम का नेम डालते हैं तो वो ये लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी ABCDEF एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट आइटम के अंदर लिस्ट टाइप को चेंज करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है बेटा वो होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑफ ओल टैग। स्टार्ट एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, जिस प्रकार हम आउटपुट में देख पा रहे हैं हमारी जो लिस्ट है वो A लेटर से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या काम करता है, अगर हमारी लिस्ट हम जिस नंबर से या जिस पोजिशन से स्टार्ट करना चाहते हैं वहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A से स्टार्ट हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिस्ट है वो D लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट का ऑल टैग की स्टार्टिंग टैग में करना पड़ेगा। अब स्टार्ट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू डालेंगे वो हमें न्यूमेरिक नंबर में डालनी पड़ेगी। अब हम गिन सकते हैं, अगर हम D से लिस्ट का स्टार्ट करना चाहते हैं तो D से स्टार्ट करने के लिए हमें गिनना पड़ेगा, A फर्स्ट पोजीशन पे आता है, B सेकंड पोजीशन पे आता है, C थर्ड पे आता है और D फोर्थ पोजीशन पे आता है। इसलिए यहाँ पे वैल्यू डलेगी स्टार्ट एट्रीब्यूट की 4। 4 वैल्यू डालने के बाद में हम फाइल मेन्यू में जाके इसको सेव कर देंगे, देन आउटपुट देखेंगे यहाँ पे हमारी लिस्ट बिल्कुल D से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट ओवर लिस्ट थी बेटा, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर टाइप और स्टार्ट एट्रीब्यूट दोनों इस्तेमाल होते हैं। HTML में जो अगली लिस्ट होती है बेटा वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, यानी कि UL टैग उसके लिए इस्तेमाल होती है। जो ऑर्डर्ड लिस्ट का कोड है इसी कोड का हम इस्तेमाल करके अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। जो एट्रीब्यूट्स है ओवर लिस्ट के वो मैं इरेज कर देता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट के मुकाबले अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ओवल की बजाय बस UL आ जाएगा और अंदर लिस्ट टैग है जो LI टैग है वो यूं की यूं पड़ी रहेगी। लिस्ट आइटम तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी आएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट भी ऑर्डर्ड लिस्ट की तरह एक कंटेनर एलिमेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो बेटा मैंने कोड के अंदर यहाँ पे UL टैग स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे UL टैग
क्लोज कर दिया है, और माउस, कीबोर्ड और सीपीयू, ये लिस्ट आइटम तीनों रखे हैं, और लिस्ट आइटम टैग भी मैंने यूं की यूं रखी है। जैसे मैं कोड को सेव करूँगा, सेव करने के बाद में आउटपुट में आप पहले देख पा रहे हो कि हमने जो ऑर्डर लिस्ट बनाई थी वो DEF के साथ नंबरिंग के साथ में ऑर्डर लिस्ट थी। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो बुलेट्स हो जाएंगे यहाँ पे। ये जो बुलेट्स हैं इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए इसको अनऑर्डर लिस्ट कहा जाता है। बाई डिफ़ॉल्ट ये डिस्क शेप आती है, यानी कि ये फिल्ड सर्कल आते हैं, फिल्ड डार्क सर्कल जो होते हैं इनको शेप में डिस्क बोला जाता है। तो ऑटोमेटिकली बाई डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट का जो शेप होता है डिस्क होता है। इसके अलावा इस शेप को हम चेंज कर सकते हैं, जिस प्रकार ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए थे टाइप एंड स्टार्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट की आउटपुट है उसके लिस्ट आइटम के सामने जो बुलेट्स लगे हुए होते हैं वो शेप्स जो होती हैं इनको चेंज किया जा सकता है, इनके टाइप को चेंज किया जा सकता है बाई यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। जैसे ही मैं इस ऑर्डर्ड लिस्ट की बजाय अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें शेप के रूप में डालनी होगी। जैसे कि अभी डिस्क आ रही है, अगर मैं सर्कल वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट की, तो आप आउटपुट में चेंज देख सकते हो। पहले फिल्ड डार्क सर्कल आ रहे थे, अब एम्प्टी सर्कल आ रहे हैं बेटा। इसके अलावा एक वैल्यू और बता देता हूँ, वो वैल्यू होती है स्क्वेयर। अगर हम वैल्यू डालते हैं स्क्वेयर की, तो यहाँ पे बुलेट स्टाइल जो है टाइप है वो स्क्वेयर के रूप में आ जाएंगे। तो पहले हमने ऑर्डर्ड लिस्ट करी, उसके बाद में अनऑर्डर्ड लिस्ट करी, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद में थर्ड टाइप जो लिस्ट है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर का बेटा, उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, ये जैसा कि बुक्स के अंदर या फिर डिक्शनरी के अंदर जो एज इट इज़ टर्म्स होती है और उसका डिस्क्रिप्शन होता है, इस टाइप में ये एक डेफिनेशन लिस्ट बना के देती है। इसकी जो सिंटैक्स होती है वो अलग टाइप की होती है। इसके अंदर जो टैग्स इस्तेमाल होती है बेटा, DL टैग इस्तेमाल होती है मेन मुख्य टैग के रूप में। जैसे कि मैं डेफिनेशन लिस्ट टैग जिसको बोलते हैं हम DL, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ और क्लोज भी कर देता हूँ, क्योंकि ये भी एक कंटेनर एलिमेंट होता है। DL टैग यानी कि डेफिनेशन लिस्ट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होने के बाद में पहले आएगी डेफिनेशन टर्म यानी कि DT। डेफिनेशन टर्म जो आएगी वो टर्म हम डाल देंगे, ये भी एक कंटेनर एलिमेंट होता है जो DT टैग होती है, उसके बीच में जिसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल CPU की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन टर्म हो गई, तो यहाँ पे हमने CPU लिख दिया। उसके बाद में इसकी जो डेफिनेशन आएगी उसको बोला जाता है बेटा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो डेफिनेशन की टर्म है उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम DD टैग के बीच में। किसमें? DD टैग के बीच में, यानी कि इसको हम लिख देते हैं टर्म वन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में DD टैग को भी हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये भी एक कंटेनर एलिमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी डेफिनेशन लिस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है बेटा। इसके अंदर टोटल थ्री टैग्स आई है। पहली टैग है DL टैग, उसके बाद में है DT टैग, उसके बाद में DD टैग, और उसके बाद में DL टैग को हमने क्लोज कर दिया है। अगर इसकी आउटपुट हम सेव करके देखते हैं तो हम ब्राउज़र में देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे CPU लिखा हुआ आया, यहाँ पे टर्म वन डिस्क्रिप्शन आया, यानी कि टर्म वन क्या है? CPU की डिस्क्रिप्शन की, यानी कि उसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी इसको डिफाइन करना है या उसको एक्सप्लेन करना है कि CPU क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ टर्म वन डिस्क्रिप्शन की जगह लिखी हुई आ जाएगी, जो भी होगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने एग्जांपल के तौर पे टर्म वन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक्चुअल में हमें वो टेक्स्ट लिखना है जो CPU की डेफिनेशन होगी, उसी टाइप के हिसाब से यहाँ पे ये राइट होके आएगा, लिखा हुआ आएगा। तो ये डेफिनेशन लिस्ट थी। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इन दोनों लिस्ट को या डेफिनेशन लिस्ट को, तीनों लिस्ट को मिला करके नेस्टेड लिस्ट भी बनाई जा सकती है बेटा, वो भी एक टॉपिक है, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। तो अगर चैप्टर की बात करूं बेटा, यूनिट सेकंड जो HTML है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू HTML हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी यूनिट के अंदर दो चैप्टर और है, वो भी HTML के बारे में है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो एडवांस HTML चैप्टर है यूनिट
सेकंड का HTML का, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर इस वीडियो में हमने फिनिश कर लिया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।